नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे बिग बी की बेटी श्वेता की लाइफ की वो सच्चाई जिसे जानने के बाद आपको भी होगी खूब हैरानी। बॉलीवुड की दुनिया में अमिताभ बच्चन एक ऐसा नाम है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम इसी तरह की न्यूज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। जी हाँ, केवल अमिताभ ही नहीं, उनका पूरा परिवार हिट लिस्ट में शामिल है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि बिग बी और उनके परिवार ने ये नेम और फेम अपने दम पर हासिल किया है। ऐसे में अमिताभ बच्चन से लेकर जया, अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन तक हर कोई अपने काम में माहिर है। वहीं अगर बॉलीवुड से हटकर अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता नंदा की बात की जाए तो श्वेता ने इतने बड़े स्टार के घर में जन्म लेने के बावजूद भी कभी फिल्मों में आने की नहीं सोची। गौरतलब है कि श्वेता बच्चन परिवार की बड़ी बेटी है, इसलिए उन्हें बचपन से खूब प्यार मिला है। हालांकि अमिताभ और जया ने उन्हें खूब पढ़ाया लिखाया, लेकिन इसके बावजूद भी वो फिल्मों में नहीं आना चाहती थी। बता दें कि श्वेता नंदा ने शादी से पहले कोई प्रोफेशन नहीं अपनाया था। इसके अलावा उनकी शादी भी बहुत कम उम्र में हो गई थी। जी हाँ, दरअसल श्वेता की शादी 1997 में निखिल नंदा के साथ हुई थी। बता दें कि निखिल एस्कॉर्ट ग्रुप के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। ऐसे में निखिल अब पूरी तरह से अपना कंस्ट्रक्टिंग बिजनेस संभालते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्वेता ने 23 साल की उम्र में अपनी बेटी नव्या को जन्म दिया था। इस लिहाज से उन्होंने हमेशा एक अच्छी हाउसवाइफ बनकर अपना घर संभाला। फिर 10 साल की मशरूफियत के बाद श्वेता नंदा ने अपने करियर की तरफ भी ध्यान दिया। बता दें कि फिलहाल श्वेता CNN IBN की सिटीजन जर्नलिस्ट है। इसके साथ ही 2007 में श्वेता को NDTV के नए शो नेक्स्ट जेन को होस्ट करने का ऑफर भी मिला था। यानी अब वो फाइनेंशियल तौर पर भी अपने परिवार को सपोर्ट करती है। गौरतलब है कि 2006 में श्वेता ने पहली बार लॉरियल ऑफिशियल के लिए मॉडलिंग की थी। इसके बाद 2009 में वह दोबारा अपने भाई अभिषेक के साथ रैंप पर उतरी। बता दें कि कुछ समय पहले श्वेता डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला के शो की शो स्टॉपर भी बनी थी। इस दौरान शो में अमिताभ बच्चन भी नजर आए थे। गौरतलब है कि श्वेता कैमरे को फेस करने में बेहद हिचकिचाहट महसूस करती है, इसलिए तो जब उन्हें करण जौहर के शो में आने का ऑफर मिला तो वो काफी हिचकिचा रही थी। फिर उन्हें समझाया गया कि तुम किसी की मत सुनो और जो तुम्हारे मन में आए वो बोलो। दरअसल श्वेता ने एक बार खुद से यह कहा था कि उन्हें भीड़ के सामने कैमरा फेस करने में काफी डर लगता है, शायद इसलिए वो हाउसवाइफ वाली लाइफ को ज्यादा एंजॉय करती।